daily soap producer ke ghar jab chhapa padta hai, to kitna aur kaun sa maal nikalta hai, ye dikhane aa rahe hain Krishna as daily soap producer, Sudesh as an officer and Siddharth as a bahu. हमारे शो पे बहुत स्टार्स आते हैं लेकिन असली हीरोज आ जाएं जोरदार तालियां धर्म जी बॉबी से पंजाब दो चीजों के लिए बहुत फेमस है भैया एक तो है रम जी दूसरे हैं धर्म जी अच्छा नहीं आपका कहती रहती हैंडसम हैंडसम ये देखिए ये होते हैं असली हैंडसम जोरदार तालियां भैया ये कहती रहती धर्म जी कि मैं हैंडसम हूं मैं हैंडसम हूं मैंने कहा भैया आप हैंडसम नहीं आप हैंड पंप हो पिछले छह साल से यहीं बैठी हुई है शुक्र मनाइए आज सनी जी आए नहीं वरना तो आज आपको उखाड़ देते खैर मैं बता दूं मैं यहाँ पर कपूर जी क्या काम करता हूँ अर्चना जी झाड़ू मार लेगा आप सोचिए झाड़ू मारने वाले इतना हैंडसम को इतने अच्छे कपड़े है ना आप कभी कभी अच्छे कपड़े पहनती हमने पूछा कभी आपको लेकिन हमारी मैडम मैडम के बारे में क्या बताऊं मैं आपको बहुत मेहनत करती है मतलब 20-20 सीरियल चलते हैं उनके एक साथ समझे एक दिन मैडम को पूछा मैंने मैंने मैडम आप इतना काम करती इतनी मेहनत करती इतने सारे सीरियल आप इतनी सारी एक जैसी स्टोरीज लाती कहाँ से नहीं क्योंकि मैडम का असूल है मतलब एक स्टोरी दूसरे से बिल्कुल मिलनी चाहिए कोई एक शो मिस कर गया दूसरा देख लो दूसरा शो मिस कर गया तीसरा देख लो लेकिन आप लोग अपने बॉस तो जीतू जी को एक दिन पूछा मैंने कहा जीतू जी ये व्हाइट कपड़े का क्या राज है मतलब आप ये व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट व्हाइट जूते तो कहने लगे मेरे को अरे यार बेटा बड़ी प्रॉब्लम होती है क्या है ना कि मेरी बेटी आए दिन डेली सोप बनाती रहती है कोई ना कोई सीरियल में मरता ही रहता है तो मुझे चौथे और तेरहवीं पे अक्सर जाना पड़ता है मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ पहले से प्रिपेयर रहता हूँ व्हाइट कपड़े मैं सबसे पहले नमस्कार करूंगा धर्म जी को बॉबी जी को अर्चना जी और बाजी मैं बहुत खुश हूं आज पहली बार मुझे मौका मिला सर बोलने लगे तारीफ कर ले सर प्लीज नो लव यू सो मच गॉड ब्लेस यू सर बाबा किसको बोला बाबा किसको बोलता है हट चल बाबा बोलते हैं घर से बाल नहीं बांध के एक आध अंगूठी ज्यादा पहन लो बाबा समझने लगते हैं लोग मेरे को हेलो धर्म अंकल कैसे हैं नमस्ते हेलो बॉबी हाय अरबाज इन तीनों के लिए ताली बजाइए अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने अर्चना के लिए ताली क्यों नहीं बजवाई क्योंकि बेफजूल का हंस हंस के मेरे रोने धोने वाले डेली सोप को बंद करवा दिया इन्होंने ये कॉमेडी सर्कस की वजह सारे डेली सोप बंद हो रहे हैं एक्सक्यूज मी माइंड योर लैंग्वेज इधर आके बात करूंगा आप बाहर क्या कर रहे धर्म जी का नाम लेके बाहर चाय मांग रही थी किसे हैं आज मैंने देखा धर्म के नाम पे ये बाबा लोग लूटते हैं कौन है तू छापा मार ऑफिस कौन है तू बाबा बाबा हूं मैं बाबा बाबा हिमालय जा रही थी तो बाबा ने सोचा बीच में कहीं रुक जाए थोड़ा दान दक्षिणा दे दो बाबा हाथ दिखा जरा ये क्या है हैं पांच उंगलियां में 19-19 अंगूठियां पहनी है मैं वो नहीं हूं मैं नहीं हूं मैं नहीं हूं तीन बार नहीं हूं ये पक्की वही ऐसे नहीं आप इधर आइए जरा आप जरा इधर आइए कोई है नहीं क्या कहा था मैंने तुझे तुम नहीं जानती हमारी मैडम कितनी बड़ी है इन्होंने सब कुछ सिखाया इंडस्ट्री को सास और बहू का रिश्ता हिंदुस्तान को मैंने सिखाया हाँ वरना तो सास बहू आपस में प्यार करती थी मैडम ने तो ये भी सिखाया है औरत का पति चाहे 25 किलो का क्यों ना हो सिंदूर 45 किलो का रखना चाहिए बिल्कुल सर मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ शोले फिल्म आपने देखी हाँ हाँ देखी धर्म जी आपने देखी आपने कहा आप तो खुद घुसे हुए थे उसने आपको क्या पता मैं आपको बताता हूँ बच्चन साहब की जगह उसमें मेरे को ले रहे थे अच्छा हाँ जी तेरे को ले रहे थे बिल्कुल उनको प्रॉब्लम थी छोटा बदन नहीं चाहिए था लंबा चाहिए था क्योंकि उनका फायदा ये था पहाड़ पे ऐसे खड़े हो गए ना दूसरी तरफ देख रहे गब्बर सिंह के अड्डे पे क्या चल रहा इसलिए उनको ले लिया
देख मैं शोले को सीरियल में बना रही हूँ। अच्छा तो उसमें काम करोगे? अरे जी मैं धर्म जी का फैन हूँ, मैं उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ। तो चलो एक सीन बताते हैं। बिल्कुल करो। तुम धर्म जी की एक्टिंग करो। ओके। और तुम गब्बर बन जाओ। ओके। मैं ठाकुर। चलो ठीक है। एक्शन। कितने आदमी थे? मैं बताता हूँ कितने आदमी थे। ठाकुर ठाकुर साहब, अब हम आपकी ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते। सारे सारे हम आए थे उस बहादुर इंस्पेक्टर के लिए जिसे माल गाड़ी में डाकुओं की टोली के साथ अकेले लड़ते हुए देखा था। और किसी बुजदिल इंस्पेक्टर के लिए नहीं, जो हमारी जान बचाने के लिए सामने पड़ी हुई बंदूक तक नहीं उठा सका। तुम जानना चाहते हो मैंने ये बंदूक क्यों नहीं उठाई? निसरे गा ठाकुर साहब, क्या वजह हो सकती है? तुम बुजदिल हो, डरपोक हो, डरपोक, डरपोक। साजा जानी ने धाया जावा वा मा गा 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 साजा जानी जारी जागा गा गा जानी डाले बेला साजा गा 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 नितरे जानी नी जानी नी जानी नी। ये नी नी जानी नी जानी नी जानी नी जानी नी जानी नी जानी नी। बहुत लंबी कहानी है। इतनी लंबी कहानी, अब ये कहानी यही समाप्त करो, अगले एपिसोड में बताएंगे हम। बंद करो, खत्म करो। थैंक यू, थैंक यू। धर्म जी, अगर वाकई कभी शोले को टेलीविजन सीरियल बनाया गया तो क्या आप वो शो देखना चाहेंगे? यकीनन, मैं तो अभी देख के इतना खुश हो रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता, शायद उसमें इतना मजा नहीं आया हो। अरे थैंक यू। बहुत खूबसूरती, जो रिदम है, जो इनका ढंग है, हर चीज यूं बता जाते हैं। आई हैव ग्रेट फीलिंग्स एंड ग्रेट रिगार्ड्स, ग्रेट लव फॉर ऑल ऑफ देम, दे आर रियली गुड, रियली गुड। थैंक यू सर। इसको कहते हैं चुटकियों में बात कर लेना। आची, यमला पगला दीवाना मुझे यहाँ पर दिख रहा है सामने मेरे। वेरी वेल डन। थैंक यू आची। बॉबी, बहुत अच्छा लगा। मतलब बीच में कुछ थोड़ी मस्ती कर रहे थे एक दूसरे के बीच में, सो इट वाज रियली नाइस। थैंक्स। थैंक यू। अरबाज, दिस इज जेन्युइनली अ यमला पगला दीवाना ट्रायो एंड इट इज आउटस्टैंडिंग, टू गुड। सो अरबाज, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? अगेन 10 पॉइंट्स फ्रॉम अरबाज। आर्ची, 10 पॉइंट्स फ्रॉम आर्ची। इनको लगने आई नजर भी, नजर को ये लग जाते हैं। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। जीते रहो बच्चों। थैंक यू सर, थैंक यू।